फॉन्ट आपको दिख ही रहा है ये लास्ट टाइम हमने बनाया था है ना बनाया था ना यस सर ओके अब हम थोड़ा सा सीएसएस वाले पार्ट पे आते हैं सीएसएस में क्या होता है कि आप सीएसएस में बेसिकली सीएसएस किस लिए यूज होती है स्टाइलिंग के लिए यूज होती है मेन होता है इसमें आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं और प्रॉपर्टीज के साथ वैल्यू डिफाइन होती है सीएसएस जो रिप्रेजेंट होती है वो किसके लिए होती है कास्केडिंग स्टाइल शीट अगर सीएसएस की हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो वो क्या होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये किस लिए होती है ये जो एलिमेंट्स हैं जो एचटीएमएल के एलिमेंट्स हैं उनको और प्रॉपर स्क्रीन पे कैसे डिस्प्ले करना है उसके ऊपर काम करती है ठीक है सीएसएस जो है आपका बहुत सारा काम जो है वो सेव कर लेती है रिपीटीशन ऑफ स्टेटमेंट्स प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए और आपके लेआउट को मैनेज करने के लिए यूज होती है बेसिकली सी एस एस सी एस एस आपकी तीन टाइप की होती है इंटरनल एक्सटर्नल और एम्बेडेड मतलब उसी सिस्टम में जब यूज होती है अब हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो प्रॉपर्टीज कैसे यूज होती हैं किस टैग के साथ ये होती हैं क्या सिंटेक्स होता है ठीक है जस्ट हमने एक नई फाइल क्रिएट की न्यू फाइल में आपको स्क्रीन विजिबल है आप सबको आप हमेशा पहले बताते हो टैग कौन सा टैग है करली ब्रेसेस लगाने के बाद आप बताते हो प्रॉपर्टी कि कौन सी प्रॉपर्टी में आप चेंज कर रहे हो प्रॉपर्टी के नाम आपको याद रखने की जरूरत होती है जितना ज्यादा आपको याद रहेंगे उतना अच्छा रहेगा ऐसा नहीं है रिकॉर्डिंग ऑन है हाँ आई विल शेयर ठीक है टैग है हमारे पास टैग के साथ प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के साथ उसकी है वैल्यू दो चीजें हैं टैग प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज और वो जो प्रॉपर्टीज एंड वैल्यूज हैं ये आप कितनी भी प्रॉपर्टी और वैल्यू डिफाइन कर सकते हो मैंने कहा एक टैग के साथ मैंने मल्टीपल प्रॉपर्टी एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी और एन नंबर ऑफ वैल्यूज डैश लगा के लिख देते हैं तो एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टी विद पर्टिकुलर टैग यू कैन डिफाइन ठीक है इज इट क्लियर ये जो टैग है यहां पे जिस टैग के बारे में ये प्रॉपर्टी डिफाइन की जा रही है समझिएगा ध्यान से प्रॉपर्टीज आप कितनी भी कर सकते हो कॉलन लगा के आप सेपरेट करोगे दिस इज योर केस सेंसिटिव पार्ट ठीक है टैग आपने लिखा टैग लिखने के बाद आपने प्रॉपर्टीज एंड वैल्यू डिफाइन की एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज यहां पे मैं डॉट 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 कर देता हूं एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज आप डिफाइन कर सकते हो इसमें जो टैग है उसे हम कहते हैं सेलेक्टर उसका टेक्निकल नाम क्या है सेलेक्टर सेलेक्टर आपका एस एलिमेंट होता है जिसे आप स्टाइलिंग करना चाहते हो जिसको आप स्टाइल करना चाहते हो स्टाइल मतलब डेकोरेट करना चाहते हो ठीक है उन डेकोरेशंस का डिक्लेरेशन आप दे रहे हो यहां पे आपने ये डिक्लेरेशन दिया हुआ है कि भाई अब प्रॉपर्टीज क्या हो सकती है जैसे कलर भाई कलर मतलब फॉन्ट का कलर किस टाइप का होगा तो ये एक प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू कि कौन सा कलर ऐसे ही फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज एक प्रॉपर्टी का नाम है फिर उसका साइज कितने पिक्सल का फॉन्ट आपको चाहिए वो चीज आप डिफाइन कर सकते हो और हर कोई प्रॉपर्टी और जो वैल्यू है वो किससे सेपरेटेड होता है कॉलन से इक्वल टू का साइन मत लगाइएगा सीएसएस में इक्वल टू यूज नहीं होता कॉलन लगता है और कॉलन के बाद आप वैल्यू देते हो प्रॉपर्टी और वैल्यू और सेमी कॉलन सेपरेटेड बाय डिफरेंट वैल्यूज डिफरेंट प्रॉपर्टी एंड वैल्यूज समझ में आ गया इतना क्लियर है यस यस नो सर एनी डाउट यहां तक कोई डाउट है ओके no, okay. तो अब हम बात करेंगे ये हम कैसे यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में हम कैसे यूज करेंगे इन्हें क्या तरीका है बहुत सिंपल सा एक प्रोग्राम लिखेंगे हम एस टी एम एल एस टी एम एल क्लोज हेड हेड क्लोज और जो आपकी अच्छा जरूरत नहीं है अभी टाइटल वेलकम टू सी एस एस टाइटल क्लोज नहीं ना बॉडी पे आ जाएंगे बॉडी अब बॉडी क्लोज कर दीजिए अब आपके एट्रीब्यूट्स से आपने कहा पैराग्राफ लगाएंगे सबसे पहले ठीक है भाई देखिएगा जब आपने टैग यूज किया तभी आप स्टाइल डिफाइन कर सकते हैं स्टाइल लिखिए स्टाइल इज इक्वल टू और आप डबल कोट के अंदर अब जो प्रॉपर्टी और वैल्यू का आपने फॉर्मेट डिफाइन किया था वो आप कर सकते हैं वो आपने क्या किया कलर जो बोले थे वही लिख देते हैं। कलर कॉलन रेड रेड कलर का मुझे चाहिए जस्ट चेक करें क्या बना दिस इज ये पैराग्राफ टैग है पैराग्राफ टैग के अंदर आपने लिखा है सेव करते हैं इसे सी एस एस बेस को सिंपल से शुरू करते हैं हम हमेशा लाइक दिस सी फॉन्ट कलर चेंज हो गया आपका अब हम स्टूडेंट जोन पे नहीं जाएंगे अब हम इस पे जाएंगे CSS फेस की बात करेंगे ठीक है समझ में आ गया इज इट क्लियर कैसे आपने डिफाइन किया स्टाइल एक एट्रीब्यूट होता है हर टैग के साथ होता है आप उसके साथ डिफाइन कर सकते हैं कोई भी एट्रीब्यूट्स मतलब जो CSS वाला पार्ट है उसे आप डिफाइन कर सकते हैं मान लीजिए आपने बॉडी पे ही लिख दिया तो बॉडी पे आपने लिख दिया ग्रीन अब इस बॉडी का मतलब क्या है बॉडी मतलब पेज पे अगर आप कुछ लिख रहे हो लाइक दिस इज ऑन बॉडी टैग या इन साइड ऑफ बॉडी दिस इज इन साइड ऑफ बॉडी टैग ये आपको कैसे यूज करना है वो आपके ऊपर होगा मैं एट्रीब्यूटाइन करूंगा क्योंकि ये टैग किसी और टैग के अंदर नहीं आ रहा तो ये ग्रीन कलर में आ रहा है यहां की जो स्टाइलिंग आपने डिफाइन की है यह किसके अंदर आ रही है पैराग्राफ टैग के अंदर आ रही है इसलिए वो पैराग्राफ डिफाइन हो रहा है इज इट क्लियर यहां तक क्लियर है यस yes, सर इसका स्क्रीन शॉट ले लो स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने यस yes, सर तो ये किस टाइप की स्टाइल शीट हुई अगर इसका हम एग्जाम्पल बात करें तो दिस इज इनलाइन इनलाइन स्टाइल शीट यहां पे हमने जहां हम टैग यूज कर रहे हैं वहीं पे डिफाइन कर दी है प्रॉपर्टीज तो अगर मान लीजिए एक और पैराग्राफ होता पैराग्राफ और ये दूसरे पैराग्राफ में आ रहा है मान दिस इज इन साइड ऑफ सेकेंड पैराग्राफ राइट ठीक है तो ये जो सेकंड पैराग्राफ है इसका कलर नहीं चेंज होगा देखो आ, पी 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 ग्रीन अच्छा ये उसने रेड नहीं लिया है मतलब ये बॉडी के अंदर आएगा बॉडी की स्टाइलिंग लेगा ये बॉडी की स्टाइलिंग है ना इस वाले की स्टाइल शीट ले रहा है ये यहां से समझ में आ रहा है वो उसके अंदर नहीं आ रहा रेड नहीं आ रहा ब्लैक आ रहा है तो बॉडी के अगर कुछ एट्रीब्यूट्स हैं तो उनकी प्रॉपर्टी उसने इंप्लीमेंट कर दी इतना क्लियर है पर अगर आप चाहते हो कि सारे के सारे के तो हर बार पैराग्राफ लिखोगे और हर बार पैराग्राफ लिखोगे और उसकी स्टाइल डिफाइन करोगे केस इफ यू आर यूजिंग इनलाइन स्टाइल शीट तो इनलाइन स्टाइल शीट का डिसएडवांटेज क्या है कि आप देख होता क्या है पहले वो समझिए जहां पे आप टैग यूज कर रहे हैं अगर वहीं पे आप स्टाइल डिफाइन कर रहे हैं तो वो क्या है आपका स्टाइल शीट ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को क्या बोला मैंने जहां पे आप क्या यूज कर रहे हैं टैग यूज कर रहे हैं जहां पे आपने अपना टैग डिफाइन किया है वहीं पे अगर आप स्टाइल शीट डिफाइन कर तो स्टाइल ऑफ दैट पर्टिकुलर एक सिंगल जो एलिमेंट है उसके बारे में स्टाइलिंग डिफाइन कर देते हो तो वो क्या चीज कहलाएगी आपकी इन लाइन स्टाइल शीट तो अगर मैं इसे ऐसे कर दूं बल्कि एक और एट्रीब्यूट हम डिफाइन करते हैं बैकग्राउंड देखो बैकग्राउंड बैकग्राउंड के साथ कितनी सारी चीजें अभी हम सब पढ़ेंगे जस्ट अभी हम बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर रहे हैं बैकग्राउंड कलर मैंने कर दिया येल्लो देखें कैसा लग रहा है सेमी कॉलर लगा दीजिए आप ऐसा दिख रहा है स्टाइलिंग आ गई वेर्थ पूरे पेज पे और बैकग्राउंड कलर आपका डिफाइन हो गया अब मैंने कहा भाई मेरा इनलाइन शीट को मैं क्या बना देता हूं एच वन बना देता हूं हेडिंग है ये तो हेडिंग थोड़ी अच्छी लगेगी इज इट क्लियर इवन हमने कहा कि हम फॉन्ट का कलर भी बदल देते हैं और फॉन्ट का कलर कर देते हैं क्या ब्लैक जो कि बाय डिफॉल्ट होता है लेसी के ऐसा कुछ तो हमारी हेडिंग आ गई क्या इनलाइन स्टाइल शीट स्टाइल शीट को बेटर कर देते हैं साथ-साथ कुछ-कुछ करते रहेंगे तो हमें समझ में आता रहेगा राइट नो इश्यूज रिकॉर्ड हो ही रहा है अब हमने जो पैराग्राफ लिखा इस पैराग्राफ के अंदर हम कोड डिफाइन कर देते हैं रिलेटेड टू इनलाइन स्टाइल शीट तो कोड क्या होता है इनलाइन स्टाइल शीट अगर हम इसे डिफाइन करना चाहें तो एन इनलाइन Style sheet is used at the time of applying tag This is defined at टाइम ऑफ यूज ऑफ एलियम एल एलिमेंट एस टी एम एल एलिमेंट यूजिंग स्टाइल एट्रीब्यूट इस टाइप से आपने डिफाइन कर दिया तो आपकी एक लाइन तो एटलीस्ट लिखी आ जाएगी उसके अंदर तो हम इस तरह से एक इंफॉर्मेशन डिफाइन कर रहे हैं कि भाई इनलाइन इन स्टाइल शीट क्या होती है अब हम दूसरे पैराग्राफ पे जाते हैं इनलाइन तो हमें समझ में आ गया और इनलाइन का डिसएडवांटेज क्या है भाई कोई किसी को समझ में आया लाइन का डिसएडवांटेज क्या है कि अगर आपको फाइव टाइम पैराग्राफ टैग लिखना है तो मान लीजिए आपने सेवन एट्रीब्यूट सेवन प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिफाइन कर रखी है तो आपको हर जगह वो सेवन एट्रीब्यूट की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी तो हर बार करने का तो कोई फायदा ही नहीं हुआ फिर तो सी का जहां कि हम पहले कह रहे थे कि सीएसएस का एडवांटेज क्या है कि हमें कोड कम लिखना पड़ता है काम कम करना पड़ता है तो ठीक है कम करना पड़ेगा पर कैसे उसके लिए हम यूज कर सकते हैं इंटरनल स्टाइल शीट क्या यूज कर सकते हैं इंटरनल स्टाइल शीट ठीक है तो अब हम इंटरनल पे आते हैं इसी चीज को हम जस्ट कॉपी पेस्ट मारेंगे और अब हम हेडिंग डाल देंगे इंटरनल स्टाइल शीट और अब यूज भी करेंगे पहले इतना कॉपी कर लेना एक काम करो फिर उसके बाद इंटरनल स्टाइल शीट पे आ जाता है रुक जाओ दिस इज इनलाइन ना सर सेव एज कर देता हूं मैं इनलाइन स्टाइल डॉट html कैसे क्रिएट करते हैं वो चीज आप देखते रहेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा दिख रहा है ना चेंजेस तो आपको समझ में आ रहे हैं किसी को डाउट है इनलाइन इन स्टाइल शीट में यस और नो दिस इज योर इन लाइन स्टाइल शीट और अभी हमें प्रॉपर्टीज बहुत सारी पढ़नी है, style sheet क्या होती है? जब हम कोई टैग अप्लाई करने वाले हैं और वही पे उस टैग के टाइम पे ही अगर हम एट्रीब्यूट की प्रॉपर्टीज और उसकी वैल्यू डिफाइन कर देते हैं तो दैट इज योर इनलाइन स्टाइल शीट ठीक है तो हमें ये तो क्लियर हो गया और पर डिसएडवांटेज भी मैंने अभी डिस्कस किया आपसे वो क्या था कि डिसएडवांटेज हमारे पास क्या है कि आपने अगर फाइव टाइम या टेन टाइम्स एक ही टैग को यूज किया है तो आपको वो टेन टाइम वही सारी प्रॉपर्टी दोबारा दोबारा डिफाइन करनी पड़ेगी तब हम जाते हैं इंटरनल इंटरनल स्टाइल शीट ये कहता है भाई ऐसा है जब आपने H1 टैग के बारे में डिफाइन कर ही दिया है

अब जो इंटरनल स्टाइल शीट है वो आप स्टाइल टैग के अंदर करते हो स्टाइल नाम का एक टैग भी है दिख रहा है और ये स्टाइल टैग जनरली हम कहां पे डिफाइन करते हैं हेड टैग के अंदर आप सबसे पहले स्टाइल टैग बनाते हो और हेड के अंदर टाइटल के बाद जनरली यहां पे डिफाइन किया जाता है वैसे आप बाद में भी कर सकते हो अगर रिक्वायर हो पर जनरली प्रॉपर्टी क्या कहती है एस का डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर क्या कहता है कि टाइटल टैग है टाइटल टैग और स्टाइल टैग ये आपके हेड के अंदर आने चाहिए तो हेड आपका जो डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर है उसके अंदर हम स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं अब स्टाइल शीट डिफाइन करने के लिए जो सिंटेक्स मैंने आपको बताया था टैग तो हमारे पास है टैग का नाम पी और क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसकी हमारे पास एक ही प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी का नाम क्या है कलर रेड तो जस्ट ये लिख दो कलर रेड यही प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है ना इसमें तब ने लिख दिया अब मुझे यहां पे बार बार नहीं लिखना पड़ेगा ठीक ऐसे ही मैंने H1 लिख दिया अभी तो एक प्रॉपर्टी है जब आप देखोगे तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दो प्रॉपर्टी के लिए पूरी स्टाइल शीट देख रहे हो बारह बारह पंद्रह पंद्रह प्रॉपर्टीज होती हैं और पचासों बार आपका ये टैग यूज होता है तो अब आपको यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है अब आपने बोल दिया कि H1 जब भी यूज होगा तो उसके साथ ये सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाएंगे पैराग्राफ जब भी यूज होगा उसके साथ ये सारी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली यूज हो जाएंगी राइट आपने अब डिफाइन करा और सारी स्टाइलिंग जो हर जगह डिफाइन की थी वो हटा दी और यहां पे भी हमने उस हिसाब से हम डेफिनेशन बदल देंगे लाइन इन लाइन तो वही रहेगी इंटरनल की डेफिनेशन बदल देते हैं इंटरनल क्या कहता है इंटरनल स्टाइल शीट में बी यूज इंसाइड ऑफ स्टाइल टैग This is preferred when HTML has unique style. ठीक है आपने ऐसा कुछ लिख दिया इसका मतलब पूरे पेज में यूनिक स्टाइल है और वो स्टाइल आपने हर जगह डिफाइन कर दिया एक बार सारे टैक्स के लिए स्टाइल डिफाइन डिफाइन कर दिया आप देखें जरा इंटरनल स्टाइल शीट इंटरनल ही थे ना चलो इंटरनल रन करके देखते हैं रन हुआ और है कुछ तो हुआ ये है आपका इंटरनल वाला पेज हो क्या आ गई ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग समझ में आ गया एनी डाउट

लाइट like, अगर डेटा ही यही है कि हमें कोड दिखाना है तो कैसे करेंगे तो इन्हें हाँ दिखा सकते हो पर एचटीएमएल में आप अगर ये लिखोगे तो ये प्रिंट हो जाएगा तो उसकी जगह आपको अलग कोड आते हैं जैसे अगर आपको ये ये वाला सिंबल अगर प्रिंट करना है तो इसे हम कहते हैं एंड लेस देन एलटी सेमीकोलन अब देखिए इनलाइन के आगे आपके ये टैग लिखे आएंगे ठीक तो है ये रहा ये रहा ये रहा अरे तो वो जो एरोज हैं उनकी जगह आप ये लगा दो लेस देन की जगह लेस देन और ग्रेटर देन की जगह ग्रेटर देन तो वो चीज प्रिंट होने लग जाएगी अदरवाइज वो सोचेगा कि आप प्रिंट नहीं करना चाहते आप उन्हें यूज करना चाहते हैं तो उस हिसाब से आपको चेंजेस करने पड़ेंगे समझ में आगे तब बनेगा मतलब डायरेक्ट एस्टीमल कोड अगर आप लिख के ब्राउजर पर रन करोगे तो वो रन करके प्रिंट नहीं करेगा वो सीधा उसे वैसे ही कर देगा इज इट क्लियर अब हम जाते हैं इसका इसका एडवांटेज तो हमें दिख रहा है कि भाई अगर फाइव टाइम पैराग्राफ टैग हमारा यूज हो रहा है तो हमें फाइव टाइम बार बार प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने की जरूरत नहीं है तो दिस इज अवर इंटरनल स्टाइल शीट यहां तक समझ में आ गया अब आता है एक्सटर्नल स्टाइल शीट एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्या कहता है वो ये कहता है भाई आपने देखो ये कब यूज होगा ये यूज होगा अगर मान लीजिए आपकी वेबसाइट पे 50 पेजेस हैं और 50 के 50 में कॉमन एट्रीब्यूट्स आप यूज कर रहे हो आपने सब टैग के लिए जो है स्टाइलशीट नॉर्मल है लाइक पैराग्राफ के लिए जो है आपका फॉन्ट एक आपने डिफाइन कर रखा है फॉन्ट फैमिली का सब में ही आपने ये बता रखा है कि कौन सा फॉन्ट यूज हो क्या साइज यूज हो कौन सा कलर आए हर जगह पैराग्राफ में तो जब सब में आपको एक ही चीज डिफाइन करनी है तो सारे पेजेस पे वो चीज रिपीट क्यों करनी पड़े अगर इंटरनल स्टाइल शीट आप लिखोगे तो आपको 50 पेजेस में वो चीजें लिखने पड़ेंगी ये बात समझ में आ गई या नहीं? Yes sir, yes sir. Yes sir. और इश्यू क्या है कि 50 पेज में चलो हम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो हमें लिखना तो नहीं पड़ेगा पर इन केस मान लो आपने पूरा डिजाइन किया 50 पेज की वेबसाइट अब आपने मुझे दिखाया और मैंने जस्ट आपसे कह दिया कि यार हेडिंग में आपने जो बैकग्राउंड येलो रखा है ना उसे जाके चेंज कर दो एक काम करो उसे ब्लैक कर दो और जो आपका फॉन्ट कलर है उसे क्या कर दो येल्लो कर दो मैंने इतना चेंज हेडिंग में बता दिया जो आपने हेडिंग में येल्लो कलर का कर रखा है मैंने उसे उल्टा करने को कह दिया अब आपको क्या करना पड़ेगा अब आपको 50 फाइल्स के अंदर हेडिंग को जाके चेंज करना है दिस इज वन स्मॉलेस्ट चेंज फिर आप मुझे दिखाओगे फिर मैंने कुछ और चेंज करने को कह दिया ठीक है तो वो क्या करता है उससे क्या होता है रिपीटेशन ऑफ कोड मल्टीपल फाइल्स में आपको जाके चेंज करना पड़ता है आप सोचो आपको फिफ्टी फाइल में कोई चीज जाके चेंज करनी है चाहे एक ही जगह करनी है पर करनी है तो पहले उसे ट्रैक रखना पड़ेगा कि सब में हुआ या नहीं यहां तो फिफ्टी फाइल file है फाइल्स तो बहुत होती है ऐसा नहीं है एक प्रोजेक्ट में फिफ्टी फाइल होती है हजारों फाइल्स होती है तो हजारों फाइलों में से कुछ फाइल आपको सर्च करनी पड़ेगी फिर चेंज करना पड़ेगा फिर अपडेट करना पड़ेगा तो इसलिए इसलिए इंटरनल स्टाइल शीट सिर्फ जब यूज होगा जब मान लीजिए आपकी सारी वेबसाइट में हर पेज की स्टाइलिंग अलग हो जो कि बहुत रेयर होता है कुछ कॉमन एंड एलिमेंट्स होते हैं जो आप कहा डिफाइन कर देते हो एक्सटर्नल स्टाइल शीट में डिफाइन कर देते हो फिर जो पेज से रिलेटेड जो पेजेस आपके पेज से रिलेटेड होते हैं टैक्स वो आप डिफाइन कर देते हो इंटरनल स्टाइल शीट में और कई बार ऐसा होता है कि भाई पूरी देखो आपने मेन तो डिफाइन कर दिया पर एक ऐसा टैग है जो डिफाइन तो है इंटरनल में पर मुझे यहां पे वैसा नहीं चाहिए जो अभी तक डिफाइन आपने करगा यहां इस पर्टिकुलर टैग पे मुझे कुछ अलग स्टाइलिंग चाहिए हो सकता है ऐसा हो सकता है नहीं हो सकता है यस और नो यस क्या हर जगह हेडिंग कॉमन ही होगी पूरे पेज पे नहीं ऐसा जरूरी नहीं है ऐसा हो सकता है कि भाई वे...

Yes or no? yes, sir. अब हम आते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट आप कैसे बनाएंगे सबसे पहले आपको यहां पे एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी ब्लैंक फाइल बनाइए और यहां पर सीएसएस लिख दो जो आप चाहते हो पैराग्राफ पैराग्राफ में मैंने लिखा कलर रेड ठीक दूसरा टैग मैंने डिफाइन कर दिया एच वन एच वन में भी मैंने लिख दिया इसे सेव कर देते हैं सेव इसे सी एस एस से कीजिएगा आपकी सी एस एस का नाम क्या है ए बी सी सॉरी माई एप डॉट सी एस एस जैसे सी एस एस करेंगे तो आपका सी एस एस हाईलाइट हो जाएगा आपने इसमें कलर लिख दिया कलर ब्लैक ठीक बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर देख रहे हो ना कितने सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं येलो uh, बैकग्राउंड कलर इस ब्लैक कर देते हैं अब चेंज कर देते हैं थोड़ा ब्लैक जो हम कह रहे थे ब्लैक डन सेव कर दिया मैंने अब हम इसी फाइल को कॉपी करेंगे कंट्रोल ए कंट्रोल सी न्यू फाइल क्लोज कर देते हैं ये कंट्रोल वी जहां हमने स्टाइल किया है स्टाइल हटा दीजिए हेड के अंदर ही करेंगे तो स्टाइलिंग वाला पार्ट यहां से हटाइए यहां पे जस्ट आप लिखना है लिंक आर एल किस टाइप की है स्टाइल शीट ठीक फिर एच आर ई एफ फाइल का नाम फाइल का नाम क्या दिया है? हमने सी का माई एप डॉट सी एस एस दिस इज अवर लिंक ठीक आपने आ, इस फाइल को आपने चेंज, चेंज कर लिया एक्सटर्नल एक्सटर्नल डॉट एस टी एम एल ठीक देखें आपने कोई स्टाइलिंग डिफाइन नहीं की है आपने सिर्फ फाइल का नाम दिया है अब आप इसे रन करके देखिए ये सी एस एस फाइल है एक्सटर्नल स्टाइल शीट एरी रन कीजिए सी इंटरनल वाली एरी एक्सटर्नल हमने अप्लाई किया समझ में आ गया इज इट क्लियर यस नो हेडिंग चेंज स्टाइल शीट तो ये क्या करता है ये आपका बाहर डिफाइन कर देता है कि अलग फाइल आप बनाते हो जिसमें आप सारे के सारे स्टाइल एलिमेंट्स डिफाइन कर देते हो ठीक है क्या करते हो कि आपने सारा का सारा स्टाइलिंग जो स्टाइलिंग से रिलेटेड पार्ट है मतलब जो लुक वेबसाइट एंटायर वेबसाइट का जो लुक है उससे रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं जो भी स्टाइलिंग है वो आप एक फाइल में रख देते हो और उसके बाद हर एक एलिमेंट की जब आपने बॉडी डिफाइन कर दी चीजें डिफाइन कर दी अब आपको सिर्फ यूज करना है तो आप लिंक कर देते हो अपने एस्टिमल पेज को तो अगर आपको बाय द वे लुक अच्छा नहीं लग रहा तो आपको एक ही फाइल में चेंज करना है जो कि आपकी सी फाइल है ठीक है पर तीनों ही आप एज ए प्रोजेक्ट में आप तीनों ही यूज करते हैं ऐसा नहीं है कि आपको तीनों यूज नहीं करने या कोई बेकार है बस कब यूज करना है दैट इज अ केस यूज हमारे जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो यूज तीनों होते हैं क्लियर है एनी डाउट ओके तो एक्सटर्नल फाइल को आप कैसे करेंगे इस तरह से अब हम आते हैं यहां पे हम स्टाइल शीट आगे देखेंगे थोड़ा सा अब attributes पे आते हैं थोड़ा Just wait. यहां तक तो आपको कोई डाउट नहीं है राइट right? ग्रेट अब सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो क्या है सीएसएस का बैकग्राउंड बैकग्राउंड को हम क्या क्या यूज कर सकते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं वो चीज हम अप्लाई करना शुरू, शुरू करते हैं बहुत सारी चीजें होती हैं। चलो देखते हैं बैकग्राउंड इमेज मैंने कहा मैं बैकग्राउंड में एक इमेज देना चाहता हूं इमेज का मैंने एक नाम देना है तो इमेज का हम यूआरएल देंगे यूआरएल आर और फाइल का नाम देख लेते हैं यहाँ फाइल का नाम दे दीजिएगा इमेज है, है हम पे कुछ पड़ी होगी शायद हमने की थी? आ, की थी थोड़ा बैकग्राउंड टाइप इमेज मिल जाती ना कोई चलो चेक कर लेते हैं एक बार आ, ब्राउजर पे ही मिल जाएगी फॉर इमेज फॉर बैकग्राउंड सिंपल सा रखेंगे थोड़ा सा लाइक like, ये रख लें कॉपी इमेज एड्रेस याद है हमने लास्ट टाइम यूज़ किया था ना दैट्स वाई हम ये यूज़ कर रहे हैं ये तो नहीं होना चाहिए ये नहीं होगा कॉपी इमेज एड्रेस लाइक दिस क्योंकि लास्ट में कुछ तो आना चाहिए जेपीजी वगैरह तो कुछ आया नहीं सर्च वैर आ गया hmm. अब ठीक है अब चेक करें हमारा यही था पेज आ गई दिख रही है आपको बैकग्राउंड इमेज यस और नो इज इट विजिबल तो जस्ट आपने पाथ प्रोवाइड कर दिया अब वो आप कोई भी इमेज प्रोवाइड कर सकते हैं आपने सी में प्रोवाइड किया आपने कहीं और नहीं किया आपने सी में किया और आपने अपने एक्सटर्नल वाली फाइल में चेक करके देखा तो आपको दिख गया कि इमेजेस आ गई पर क्या है इसमें इसमें बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी साथ साथ अब बैकग्राउंड जब इमेज लगाते हैं तो क्या क्या आपको चीजें ध्यान रखनी है वो देखिए जैसे यहाँ पे हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है उसके साथ एक प्रॉपर्टी है हम छोटी इमेज लेते हैं थोड़े अच्छे सी और क्यूट सी लोगो टाइप का कुछ लेते हैं चलो लोगो लेते हैं ना इमेज लोगो इमेज फॉर लोगो तो मजा आएगा एप्पल ले लेते हैं एप्पल तो सबको अच्छा लगता है किसी को बुरा लगता ही नहीं तो हम कॉपी करेंगे इमेज एड्रेस याद रखिएगा सी एस एस एज स्टाइलिंग तो जितना ज्यादा आप खेलोगे उतना ज्यादा आपको आएगा आप कैसा करना चाहते हैं इसमें चीजें ज्यादा नहीं होती हैं ठीक है ठीके? इसमें ऐसा नहीं है कि चीजें बहुत सारी होंगी ठीक है ठीक है हमारे इंपैक्ट पे आया कुछ बहुत सारे एप्पल अच्छा लग रहा है नो मुझे तो नहीं लग रहा आपको लग रहा हो तो अच्छी बात है हम क्या चाहते हैं एप्पल का साइन तो आए वैसे तो किसी को भी नहीं लगना चाहिए लग रहा है क्या किसी को अच्छा तो यहाँ पे आप बैकग्राउंड के साथ बुरा नहीं है ओके अपना नहीं है वैसे तो अब यहां पे आपके पास क्या है क्या डिफाइन कर सकते हैं यहां पे एक चीज हो रही है रिपीट हो रहे हैं। आप देख रहे हो एप्पल का साइन जो है वो रिपीट हो जा रहा है मैं चाहता हूं रिपीट ना हो तो कर दिया नन बैकग्राउंड के साथ एक रिपीट प्रॉपर्टी होती है अब सेव नहीं किया था क्या क्यों नहीं हो रहा भाई नन होता है नौ ना नहीं होता है जहाँ तक एक मिनट देखते हैं क्या लिखा है मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या यू आर एल बैकग्राउंड ठीक background repeat इनकी वैल्यूज भी तो देखनी पड़ेंगी एक मिनट को अच्छा सॉरी नन नहीं होता नो रिपीट होता है नो डैश रिपीट ठीक है अब नो रिपीट करने से कैसा लग रहा है देखें मुझे तो अभी भी मजा नहीं आया आपको तो शायद आ हो गया होगा तो रिपीट नहीं होगा नो रिपीट का मतलब क्या है रिपीट नहीं होगा अब मैं चाहता हूं कि ये जो इधर आ रहा है ये इधर अच्छा नहीं लग रहा अब इसे राइट साइड में अब बंद नहीं किया क्या मैंने किया ना किया है ना ठीक है इसे आप डिफाइन कर दें फिलहाल मैंने कहा कि अगर इसका रिपीटेशन रिपीट वाई कर दें देखो इसमें एक चीज और है नो no रिपीट तीन प्रॉपर्टीज दे सकते हो रिपीट वाई या वाई रिपीट ऐसे होता है देखो वाई कोऑर्डिनेट में ही रिपीट होगा एक्स में नहीं रिपीट होगा जितनी फाइल बनती जाएगी वाई वाला पार्ट रिपीट होता जाएगा मैंने कहा एक्स करेंगे तो तो एक्स में रिपीट हो जाएगा ठीक है सिर्फ ऐसे नीचे को रिपीट नहीं हो रहा डिफरेंस समझ में आ रहा है फिलहाल मुझे चाहिए नो रिपीट नो रिपीट क्लियर अब मैंने कहा भाई मुझे ये एलिमेंट यहां पे आ रहा है और सेव नहीं किया क्या? देखो यहां आ रहा है मुझे चाहिए यहां तो नहीं चाहिए इस तरफ, तरफ तो चाहिए मुझे यहां पे डाउन में तब मैं इस चीज को मैं कैसे करूंगा तब मुझे बैकग्राउंड की पोजिशन लगानी पड़ेगी पोजिशन में भी हमारे पास ऑप्शंस वैल्यूज होंगी बैकग्राउंड पोजिशन में आप क्या लगा सकते हो आपको लगाना है टॉप टॉप लेफ्ट लेफ्ट अभी है हमें चाहिए बॉटम बॉटम ठीक बॉटम राइट राइट चेक करें चलो राइट चेक करते हैं पहले अरे सेव क्या जस्ट वेट क्यों 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 बॉटम राइट right नहीं है तो फिर कुछ और ओवर राइट कर दें पहले से राइट राइट देख राइट हो रहा है राइट right साइड तो हो गया बैकग्राउंड में है राइट right साइड आ गया इज इट क्लियर पोजीशन राइट है पोजीशन आप ऐसी बहुत सारी दे सकते हैं आप बॉटम भी दे सकते हैं वैसे तो एक मिनट राइट right. राइट right, लेफ्ट भी होता है राइट टॉप टॉप राइट बॉटम भी होगा कुछ देखो राइट 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 टॉप वो ये नहीं है कि वो ले नहीं रहा वो ये है कि आपने गलत लिखा है लिखा गलत था ना ऐसा बॉटम भी होना चाहिए टॉप डाउन डाउन टॉप की जगह बॉटम ही होना चाहिए देखें राइट बॉटम आ गया हम्म आ गया इधर तो पोजीशंस हैं बाय डिफॉल्ट तो यही आएगा अगर आपको इधर चाहिए तो राइट टॉप राइट साइड में बॉटम लेफ्ट साइड तो राइट लेफ्ट उस तरह से आप पोजीशनिंग कर सकते हैं आपके एलिमेंट की फिलहाल मैंने कहा अगर मैं इसे ऐसे कर दूं देखो ध्यान से जो मैं करना चाह रहा था राइट बॉटम तो हमने कर ही दिया बॉटम की जगह आप इसे कर दो टॉप राइट right, टॉप तो हमने अभी अभी किया था ना इस तरह से है और साथ में हमने यहां पे नो रिपीट की जगह कर दिया रिपीट वाई रिपीट वाई सी जैसे जैसे आप कंटेंट लिखते जाओगे ये चीज होती जाएगी एप्पल अपने आप ही आते जाएंगे साइड में एक और चीज आप कर सकते हो आपका जो ये विंडो बन रहा है ये जो बैकग्राउंड कलर जा रहा है ये किस ले जा रहा है ये पूरे पेज पे जा रहा है मुझे इसकी वर्थ डिफाइन करनी है तो मैंने कहा ठीक है पूरा हंड्रेड परसेंट क्यों ले रहे हो सेवेंटी परसेंट करके देख लेते हैं चेक करते हैं सी, अब ये सेवेंटी परसेंट में ही हेडिंग आएगी सही है दिख रहा है और साइड में एप्पल का लोगो आता रहेगा याद है मैंने कहा था ना आप क्या करते हो डिवीजन डिफाइन करते हो

बहुत कुछ आता है फिलहाल हम तो जो डिफॉल्ट इमेज है उसकी बात रख रहे हैं डिफ़ॉल्ट इमेज है, उसे हमने रख दिया और वो आपकी इस तरह की इमेज आ गई जनरली हम छोटी इमेज बैकग्राउंड के लिए क्रिएट करते हैं ठीक है जो फुल साइज है उस हिसाब से वो इमेज उठाता है एनी डाउट यहां तक डायरेक्शन तो राइट लेफ्ट हाँ यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है हमने क्या-क्या सीखा अभी एक बैकग्राउंड इमेज लगाना अब बैकग्राउंड इमेज आप जरूरी नहीं है बॉडी पे ही लगाएं वो आप हेडिंग पे भी लगा सकते हैं किसी पर्टिकुलर टैग के ऊपर भी लगा सकते हैं पैराग्राफ पे लगा सकते हैं कि जो पैराग्राफ हमारा क्रिएट होगा उस पैराग्राफ का ही बैकग्राउंड बने सबका ना बने होता है ना कई जगह तो वो चीज आप आल्सो डिफाइन कर सकते हो अभी हम करके तो हाँ बोलो पूछो ना तो जैसे, जैसे टॉप में, में, मतलब में भी आपको चाहिए और राइट साइड में भी चाहिए राइट नहीं ऐसे नहीं हो सकता इसमें ये पॉसिबिलिटी नहीं है क्योंकि आप पोजीशन बता रहे हो तो पोजीशन एक ही होगी ना या तो राइट टॉप में आएगा या लेफ्ट टॉप में आएगा और रिपीट एक्स करोगे तो रिपीट एक्स में होगा और रिपीट वाई करोगे तो रिपीट वाई पोजीशन पे होगा ठीक है मतलब फिर आप इमेज ऐसी क्रिएट करो जो दोनों तरफ चले वैसे ही है चीजें इसमें ऐसे ही होंगी और कुछ नहीं सर इसमें हाँ होता है होता है होता है बिल्कुल होता है ठीक है और कुछ और एक और के लिए भी अलग से अभी आएंगे मेरा मतलब और कुछ मतलब यहां पे कोई डाउट है हाँ अभी तो अभी इमेज प्र, अभी बैकग्राउंड इमेज पे आ रहे हैं तो बैकग्राउंड इमेज में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं ना होता तो बहुत कुछ है यार बैकग्राउंड एक होता अटैचमेंट अच्छा अटैचमेंट पे आ जाओ और ऐसे कर दो फिक्स्ड और आप इस फिक्स्ड के साथ राइट right टॉप आपने लिखा है तो हमें थोड़ा डेटा बढ़ाना पड़ेगा डेटा हम कहाँ से उठाएं कोई वेबसाइट का नाम पता है किसी भी वेबसाइट का नाम बताओ चलो गुड जहाँ पे डेटा भी हमें मिल जाएगा एप्पल की खोल लेते हैं डेटा चाहिए हमें लिखा हुआ पैराग्राफ टाइप का सर्विसेज वगैरह अबाउट अस में होगा अरे ये क्या खुल गया एप्पल डॉट कॉम कोई Block uh, type store, store the this is good. Apple India. Mm -mm -mm -mm. हमें कुछ और नहीं चाहिए हम स्पेसिफिक पे जा रहे हैं हमें पैराग्राफ से लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमें डेटा ही नहीं मिलकर तैयार हो रहा कहीं तो मिल लो आप इस टाइप का कुछ लिखते हैं आपने यहाँ पे एक पैराग्राफ और डाला और इस पैराग्राफ में इसी कंटेंट को कॉपी करते चलो बहुत बार अपने पेज पे देखें नहीं। सेव नहीं किया क्या सेव रिफ्रेश सी अब आप पैराग्राफ की भी स्टाइलिंग करना चाहेंगे तो इस पार... वेड़ को उठा के आप यहाँ पे भी पैराग्राफ पे भी लिख दीजिए सेवेंटी परसेंट ग्रेट enough, राइट right? फिर एक और पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं हम सेम हमें कंटेंट से मतलब है नहीं डिजाइनिंग है, ठीक? तो इसलिए हमने मल्टीपल पैरा अब देखिए यहां पे जो हमने रिपीट कर रखा है इस रिपीट को मैं हटाता हूं फिर स्टाइलिंग में डिफरेंस समझ में आएगा रिपीट वाई नो रिपीट कुछ समझ में आया कोई चेंज दिख रहा है आपको Yes. क्या मतलब ये फिक्स है इमेज फिक्स हो गई है तो अगर आप आगे स्क्रॉल कर भी रहे हो तो इमेज अपनी जगह पे रह रही है तो ये तो आपको दिखेगी ही दिखेगी समझ मारे दिस इज एडवांटेज इज इट क्लियर एनीवन एनी डाउट रिलेटेड टू दिस तो आप क्या कर सकते हैं आपने एक इमेज की पोजीशनिंग को फिक्स कर दिया है और जस्ट ये मूव हो रहा है आप देखिए इमेज आपकी अपनी जगह पे फिक्स है आप जस्ट मूव करते रहते हो आपका कंटेंट मूव होगा जितना भी चाहे आप डेटा डाल दीजिए आप मान लीजिए आप और डेटा रखते हैं पर आपने वो फिक्स कर दिया अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तब फायदेमंद है कई बार आपने देखा होगा कि हेडिंग वाला पार्ट मतलब वेबसाइट का जो लोगो होता है वो अपनी जगह फिक्स होता है कंटेंट कितना भी स्क्रॉल करते रहिए इस वजह से हमने इसे फिक्स रखा इसकी पोजीशन हमने क्या कर दी फिक्स कर दी यहां पे अटैचमेंट था ना अटैचमेंट में हमने कर दिया फिक्स और राइट right टॉप रखा अगर इसे हम फिक्स नहीं करते मान लो ये हटा देता हूं मैं। तो फिक्स नहीं है जैसे जैसे कंटेंट ऊपर जाएगा तो आपका वो लोगो गायब हो गया इज इट क्लियर और ये है आपका सीएसएस का कमेंट तो अगर आपको सीएसएस में कुछ कमेंट करना यू कैन पुट लाइक दिस ऑल्सो यहां तक समझ में आया आप लोगों को ठीक है तो ये आपका अटैचमेंट था पोजीशन था रिपीट था और बैकग्राउंड इमेज था यहां तक किसी को डाउट है और बैकग्राउंड कलर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं ओके ग्रेट okay, अब यहां पे आपका एक क्वेश्चन था बैकग्राउंड साइज 300 हंड्रेड 300 में 30 हंड्रेड कर देते हैं 30 पी एंड फोर्टी पी ट्राई करते हैं कैसा लगता है देखते हैं कुछ चेंज हुआ क्या और हम क्या कर देंगे इसे हटा देंगे डिफरेंस आपको दिख जाएगा दिख गया कुछ आ, सर, तो अगर आपको इमेज का कुछ करना है यू कैन यूज लाइक दिस मैं इसे हंड्रेड कर देता हूँ सेवेंटी कर देता हूँ चेक कीजिए तो इमेज आपकी उस टाइप से आ जाएगी ठीक है एक और चीज देखें जो हमने ये हटाई थी पोजीशन रिपीट वाले को हटाया था अब अगर हम ऐसे करें रिपीट 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 कर रिपीट को मैंने हटा दिया बैकग्राउंड को भी हटा दिया पूरे में आ गया ठीक है एक और होना चाहिए था वो मैं देख रहा हूं जरा चलो तो आगे तो फिर बाद में देखेंगे एक और चीज़ थी मिल जाती तो बेटर रहता ओके okay. चलो वो बाद में देखेंगे तो बैकग्राउंड समझ में आ गया आप लोगों को यस और नो कहा चले गए बैकग्राउंड में किसी को डाउट है ग्रेट no, तो बैकग्राउंड में हमने चार चीजें देखी चार या पांच चीजें देखी हैं इमेज रिपीट पोजीशन अटैचमेंट और साइज साइज हम इमेज जो हम देते हैं उसके साथ डिफाइन करते हैं इवन बैकग्राउंड में हमने कलर भी देखा अगर हम बैकग्राउंड के कलर की बात करते हैं तो वी कैन यूज बैकग्राउंड कलर और आप किसी भी चीज के ऊपर कितना भी कलर अप्लाई कर सकते हैं यूजिंग सी एस एस जरूरी नहीं है आपको कलर का नाम लिखना है यू कैन यूज कलर कोड ऑल्सो अब कलर कोड के लिए आप क्या करते हैं क्योंकि हमें कलर कोड्स याद तो होते नहीं तो आप जस्ट यहाँ पे पुट करते हैं कलर कोड्स कलर कोड्स इन या कलर पेकर इन एस टी एम एल क्योंकि देखिए आपको हमेशा याद नहीं होंगे और कलर शेड्स में ही आपका सारा काम हो जाए ऐसा भी नहीं होगा अगर आप सोच रहे हो कि आपको कलर की शेड में ही आपको सारे काम करने तो आप जस्ट पिक कर सकते हो देखो येल्लो में ही कितने सारे शेड्स हैं मान लो मुझे ये शेड चाहिए तो जस्ट यहाँ से आप हेक्सा एस एम एल कोड उठाइए और आप अपने कलर जहाँ पे आपने कलर लिखा है यहाँ पे पुट कर दीजिए और डिफरेंस देख लीजिए आप ठीक है? आया यहां पे आया ना कुछ डिफरेंस तो वैसा आप कलर की शेड्स यूज कर सकते हो तो अगर आप यूज करेंगे तो कोई भी कलर शेड आप यूज कर सकते हो जरूरी नहीं है हमेशा आपको आपको कलर के नाम याद होने चाहिए तो वो बिल्कुल जरूरी नहीं होता है। ठीक है एनी डाउट एनी इश्यू यहां तक तो आज हमने एक एट्रीब्यूट डिस्कस किया है बैकग्राउंड बैकग्राउंड से रिलेटेड बैकग्राउंड इमेज बैकग्राउंड रिपीट पोजिशन अटैचमेंट साइज इसके बाद जो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा टेक्स्ट टेक्स्ट के बारे में कलर टेक्स्ट का चेंज करना किस तरह से वर्थ वगैरह डिफाइन करते हैं अगर टेक्स्ट हमें कहीं पे बड़ा चाहिए कहीं पे छोटा चाहिए तो वो अगली बार हम डिस्कस करेंगे आज के लिए इतना ही बहुत है ट्राई कीजिएगा पहले थोड़ा सा यूज करके देखिएगा अगर इफ यू हैव टाइम अब आपका पेपर अगर जो चल रहा है वो कब चल रहा है कब है नेक्स्ट मंडे को सर सोमवार मंडे को ओके तो हम कल भी क्लास रख लेते हैं एक बार है हाँ ना कल क्लास रख लेते हैं फिर तो मंडे के बाद फिर नेक्स्ट वीकेंड पे ही रखेंगे और बीच में मैं एक वीडियो भी दूंगा उस वीडियो को आप देख लेना मतलब उस वीडियो में भी मैं एक टॉपिक कवर करूंगा उस वीडियो को भी देख लेना अगर कोई इशू आए तो यू कैन आस्क मी यस टेल मी ओके एनीथिंग एल्स चार बजे के बाद इश्यू तो नहीं है ठीक है चलिए नाउ यू कैन लीव है नाइस डे इंजॉयिंग टून जस्ट जस्ट मैं कर तो.